न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर। चौबीस जनवरी को पूरे प्रदेश में बालिका संरक्षण संबंधी महिला जागरूकता शिविर आयोजित हुए और इसी कड़ी में सागर जिले के राहतगढ़ में भी महिला जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन स्थानीय थाने के प्रांगण में पुलिस और महिला बाल विकास के बैनर तले आयोजित हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं। कार्यक्रम में माननीयों के उद्बोधन के अलावा एक प्रोजेक्टर पर 60 फिल्मों के माध्यम से महिला बालिका सुरक्षा पर समझाइश देने का अच्छा प्रयास किया गया, जिसमें बताया गया कि महिलाओं के लिए क्या अधिकार हैं, साथ ही बताया गया कि बच्चियाँ किस तरह अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत में SDOP BS परिहार ने उपस्थित जन समूह को इस कार्यक्रम के उद्देश्य से परिचित कराया। उनके अधिकारी हैं, उनके द्वारा और अन्य जो वक्ता रहेंगे उनके द्वारा मुख्य रूप से यही आपको बताया जाएगा कि बालिकाओं की सुरक्षा आज का जो मुख्य केंद्र बिंदु है, वो सुरक्षा के संबंध में अपन क्या कर सकते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं होती है और कई बार क्या होता है कि महिला चूंकि घर में रहती है, अकेली रहती है, पति भी उनके नहीं रहते हैं, उस समय बड़ी विकट स्थिति निर्मित होती है। उनको ये समझ नहीं आता है कि हमको कहीं कोई घटना होती है तो उसके साथ ही इस कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट जज MP सह ने भी शिरकत की और अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं को दिक्कत ना हो, इसके लिए व्यवस्थाओं को थोड़ा लचीला बनाया गया है ताकि महिला आगे आए और अपनी बात रखें। होते हैं सामान्य रूप से अपराध, सभी कोई खुले में नहीं होता है, छुपा के होता है। कुछ ये जो अपराध महिलाओं के विरुद्ध होते हैं उनमें इतने सुनियोजित तरीके से होते हैं कि सामान्य रूप से उसमें एविडेंस, उसमें कोई गवाह मिल पाना संभव नहीं होता है। इसलिए कानून निर्माताओं ने भी इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया है कि उसमें जो सबूत के मानक होते हैं, जो सबूत की रिक्वायरमेंट होती है, वो उस स्तर की नहीं होती जो सामान्य अपराधों में होती है। इसलिए सबूत के मानक स्तर को भी उन्होंने उस मामले में लचीला किया है। जैसे पोक्सो एक्ट आया, बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ होती थी, IPC में उसका प्रावधान था कि चलो महिलाओं के साथ किसी के भी साथ छेड़छाड़ होगी तो 354 लगेगी, जो भी होगा वहां पे उसका। एक बार तो उसके साथ जो घटना हुई हुआ वो हुई, उसके बाद कोर्ट में जो भी होता था उसका हरांगण होता था, उल्टे सीधे प्रश्न होते थे, खुले न्यायालय में प्रश्न होते थे, वो भी एक व्यवस्था की गई कि नहीं, महिलाओं के जो भी बयान होंगे वो बंद न्यायालय में होंगे, अगर लैंगिक अपराधों से संबंधित है, सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित है तो वो बंद न्यायालय में होंगे। इसीलिए ये व्यवस्था हुई कि भाई या तो न्यायालय में किसी को घुसने नहीं दिया जाए जब महिलाओं के बयान चल रहे हों, या चेंबर में बयान दिया जाए। तो अधिकतर न्यायाधीशों के विश्राम कक्ष में बयान होते हैं, अगर वहां टाइप करने की व्यवस्था नहीं है तो न्यायालय में ही बयान होते हैं, लेकिन उस समय कोई दूसरा व्यक्ति आता नहीं है, केवल सेक्सुअल हरासमेंट वाले मामलों में ये व्यवस्थाएं हुई। अब लैंगिक अपराधों वालों जो है बालिकाओं पे, तो उन अपराधों में ग्रेविटी इतनी नहीं थी बालिकाओं के साथ छेड़छाड़। वहीं महिला बाल विकास विभाग से महिला सशक्तिकरण अधिकारी रमा खटीक ने कहा कि वन स्टॉप सेंटर की व्यवस्था की गई है, जिसमें उन महिलाओं की समस्या हल हो जाएगी जो पीड़ित होने के बाद भी थाने आदि जाने से कतराती हैं। पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सुरक्षा के लिए जो अभियान चलाया गया है, इसमें महिलाओं की सुरक्षा संबंधी बहुत सारे अधिनियम बनाए गए, जिसमें से वन स्टॉप सेंटर, घरेलू शिक्षा, घरेलू हिंसा और लैंगिक अपराध के कारण होने वाले जो भी अपराध होते हैं उन सबके बारे में महिलाओं को जागरूक किया गया और ये समाज को भी बताया गया है कि जो अपराध घटित हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ समाज की जो अवधारणा गलत बन गई है उसके कारण घटित हो रहे हैं। अतः इन अपराधों को रोकने के लिए समाज को सूचित किया गया कि आप ज्यादा से ज्यादा 1090-1098 इन जो हेल्पलाइन नंबर है, जो डायल 100 की तरह प्रचार प्रसार नहीं हो पा रही है, इनका प्रचार प्रसार करें और महिलाओं संबंधी होने वाले अपराधों को रोकथाम करें। वहीं थाना प्रभारी अनिल सेन ने कहा कि पेरेंट्स को चाहिए कि वह अपने बच्चों से संवाद बनाए रखें, उनसे दूरियां ना रखें। बालिका है उनके प्रति भी हमें बड़ा सजग रहना चाहिए। अभी तक जो भेदभाव होता रहता था कि भाई बच्ची है उसके लिए अलग, यदि मान लो स्कूल कस्बे में नहीं है, गांव में नहीं है, तो साफ बच्ची यदि 5वीं या 8वीं पढ़ गई या बाहर भेजना है तो हम बच्ची को नहीं भेजेंगे। अविश्वास करना कोई समस्या का हल नहीं है। कई बार आप अपने बच्चों पर अविश्वास करते हैं
बच्चों को लगता है कि हमारे माँ बाप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो वो फिर जाके पड़ोसियों को बताना शुरू कर देते हैं, दोस्तों को बताना चालू कर देते हैं, और जब बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं जिनको माना जाता है कि